अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही, ये कमिटमेंट था कमाई दवाई सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी नौकरी नौकरी, और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, इसको कैबिनेट में नहीं लाया गया, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया। कुछ हफ्तों से बिहार में लगातार चल रही बदल रही घटनाक्रम से वाकिफ हूं आपका, मैं तो मान लूंगा, मैं उधर ही देखूंगा, लेकिन उनके बारे में क्या कहूं जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ और सहज हूँ, आप सब जानते हैं लालू जी तेजस्वी जी विशाल हृदय है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, देवभक्त, इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी, और वो शर्त साफ, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा पहला दिन पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारी हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी 17 बरस अलग से भी शासन की, बिहार की चर्चा पूरे देश में मैं आप सब जानते हैं कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां हुई, ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे तो 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली, और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है, कोई पड़ोस सोना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों है? सरकारें मंदिर मस्जिद साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है, आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी उसके लिए पहले जातिगत जनगणना होगी। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र धुलमुल रवैया न अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं तेजस्वी जी, कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000, सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज ना करें, बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें लोगों का मुंह बंद करते। 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके होने के लिए, 1,00,000 उन पर भी
आपका उन शिक्षकों की नियुक्तियों का आपका कोई भाजन ना बना पाए, आप उनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने उसकी उसके उसके मिनिस्ट्री ने उनके मंत्रिमंडल ने उनके सहयोगियों ने यह किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाहर जाए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों मसलन सहकारिता ग्रामीण कार्य विभाग को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा है ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई है। मैं खुद पटना में आकर के महसूस कर रहा, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल गया, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन क्या बता रहा है तेजस्वी से मैं प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है व्यवहार, उनका घर कैसे चलेगा, आप तेजस्वी जी से राजनीति की लड़ाई लड़ी, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है, मोइनुल हक स्टेडियम का कई हॉस्पिटल्स के कायापलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है, 5-स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का, तेजस्वी जी ने उस पर मोहर लगा, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के देखते देखते उधर के हो गए, ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेता नुमा अधिकारी और कई अधिकारी नुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं, इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ, 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती, क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई, क्योंकि पाइलअप थी, आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था, अब सब चीजें रास्ते पर गया है, आप निकल गए किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक एक लेट मी फिनिश, मुझे मुझे आप मुझे खत्म करने दीजिए, नहीं 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 कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है, नहीं नहीं आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए, इतना इतना संवाद का स्तर बना रहे, हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकों लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे, बस इतना मुझे कहना था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो वोटर नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए, इतिहास की विस्मृतियों में गलत स्मृतियों में मत उलझाइए, मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो पास सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं।
क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर में सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। एक व्यक्ति एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना आपको बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, नहीं एक व्यक्ति एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे कहने पर आगे बचाते करना, नहीं झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को जिन्होंने इसके साथ अपने को संबद्ध किया। मनोज क्रेडिट वार नहीं सरकार चली गई क्या? कहीं नहीं, कभी नहीं, क्रेडिट वार देखिए इसको एक तो वार ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता वो उस रूप में इस्तेमाल होता। तो आप ही लोगों ने कहा मनोज जी नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं थे 1990 से 2005 तक। ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहना चाहते कहा है कि नीतीश जी जब घूम रहे थे तो सारे सीएम ने जो विपक्ष के उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे बने रहे। क्या नहीं सवाल करने आपने मुझे, आपको मैं सिर्फ इतना बता, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही, ये कमिटमेंट था कमाई दवाई सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शक्ति नौकरी नौकरी नौकरी, और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है जिसको कैबिनेट में नहीं लाया गया, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, आप सबको पता है बंद कमरे में, उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ हुआ जनगणना संपन्न हुई, कोर्ट में कौन गया मुझे बताइए, भाजपा गई थी ना, सॉलिसिटर जनरल कौन है, कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल, वो क्यों गए थे रोकने के लिए? तो बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चे की बच्चा बच्चा जानता है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।